पजल जो है। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर, जस्ट रेज योर हैंड, कलेक्टिवली आंसर नहीं देना आपने, जस्ट हाँ जी बेटा। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग, वेरी गुड, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। महक नेक्स्ट। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, व्हाई व्हाइट इज कॉल्ड गोल्डन, बिकॉज ऑफ इट्स कलर, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ जी मनकीरत, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ब्राजील। जब आपने टेबल बना लिया ना, टेबल से अब आपके देखना कितने क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली उसमें से मिल जाने। आगे जो न्यू बुक्स हैं उसमें बेटा जो गिव रीजंस एंड डिफरेंशिएट पार्ट जो है आपने इसके अकॉर्डिंग ही करना है। आई थिंक पुरानी बुक्स है उसमें मुझे नहीं पता कि गिवन है नहीं है ना, देख लो आप चेक कर लो, लेकिन आपने न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग ही करना है। फर्स्ट इज गिव रीजन व्हाई इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्रबल, हाँ जी प्रबल का हाथ सबसे पहले खड़ा होता है, हाँ जी वेरी गुड। एरेबल कह लो या सूटेबल कह लो, हाँ जी। नंबर वन, सबसे पहले हमने ये बताना है इंडिया इज अ मेन एग्रीकल्चरल लैंड बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन दे आर फार्मर्स। 2/3 से ज्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। एंड हमारी कंट्री की लैंड जो है दैट इज फर्टाइल एंड एलुवियल। जिस कंट्री की लैंड फर्टाइल है, एलुवियल है, ऑटोमेटिकली उस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा होगा। हाँ जी, यस, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स और फार्म्स कह लो या विलेज एरियाज, व्हाटएवर, है ना। और थर्ड क्या है, हमारी कंट्री में मोस्टली जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, एंड उनके लिए बेस्ट सुटेबल ऑक्यूपेशन क्या होगा फिर, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन से दैट इंडिया इज प्राइमरीली, कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है। इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, वेरी गुड प्रबल। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजंस। इसका मतलब क्या है, इंडिया के अलग अलग एरियाज, हर एरिया में अलग अलग क्रॉप्स क्यों होती हैं, इसका भी मैंने आपको बताया, टेबल में ही बेस्ट एग्जांपल है। हर टेबल के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने क्रॉप देखी उसके लिए अलग अलग तरह का क्लाइमेट चाहिए, अलग अलग तरह की सॉइल। जिस एरिया में जैसा क्लाइमेट, जैसी सॉइल होगी, उस एरिया में वो क्रॉप ही ग्रो कर सकते। इमेजिन करो कि अगर आप पंजाब में सोचो कि आप कॉटन, ब्लैक सॉइल नहीं है, और आप कॉटन ग्रो करने का सोचो, तो इट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू कल्टीवेट प्रॉपरली कॉटन। या फिर जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो अपनी लैंड के ऊपर वीट उगाए, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। या जो लोग राजस्थान में डेजर्ट एरियाज में वो लोग राइस उगाए, दैट विल बी नॉट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजंस। हर एक एरिया की 3 फैक्टर्स मेन अलग होते हैं। एक तो होता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है नेचर ऑफ सॉयल या नेचर ऑफ लैंड, लैंड की नेचर कैसी है, सॉयल कैसी है, टोपोग्राफी, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ सॉयल। हर एरिया की सॉयल जो है, हर एरिया की टोपोग्राफी डिफरेंट होती है। सेकंड इज क्लाइमेट, ईच एरिया हैज इट्स डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। वेस्ट कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट अलग होता है, सेंट्रल जो बीच के एरियाज होते हैं उनका अलग होता है, माउंटेन एरियाज का क्लाइमेट अलग होता है, ठीक है। तो यही भी रीजन है कि हर एरिया के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स उगाते हैं। जिन एरियाज में सबसे मैक्सिमम रेनफॉल होगी वहां पे क्या होगा, राइस ज्यादा होगी। जिन एरियाज में रेनफॉल कम है, जैसे राजस्थान ड्राई एरियाज है, वहां पे क्या होगा, मिलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रेनफॉल, रेनफॉल भी डिपेंड करती है कि किसी एरिया में कौन सी क्रॉप जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो 3 फैक्टर याद रखो, नंबर 1 टोपोग्राफी ऑफ सॉयल, नंबर 2 क्लाइमेट, एंड नंबर 3 रेनफॉल, ठीक है, क्लियर। हाँ जी आगे, नेक्स्ट इज डिफरेंस बताना है हमने। अब पहले वन बाय वन, एक तरफ हार्दिक बोलेगा, एक तरफ आस्था। हार्दिक विल स्पीक फॉर द पॉइंट्स प्राइमरी एक्टिविटी, और जो पॉइंट हार्दिक बोलेगा ना उसी को आस्था जो है वो इसको अपोज करके सेकेंडरी के लिए बोले, सॉरी टर्शरी के लिए बोलेगी, और ट्राई करना कि आपके 3-4 पॉइंट्स अलग अलग बने और हर पॉइंट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, प्राइमरी एक्टिविटी
प्राइमरी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? नेचुरल रिसोर्सेज। एंड आस्था टर्शरी, यस टर्शरी में आपने बताना है कि टर्शरी एक्टिविटी जो है वो सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी को। हाँ जी, सेकेंड डिफरेंस हाँ जी, प्राइमरी आपने बता देना है कि उसमें कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, टर्शरी में क्या क्या इन्वॉल्व होगा। वेरी गुड, हाँ जी ठीक है, और कोई डिफरेंस? हाँ जी, वेरी गुड, प्राइमरी सेक्टर जो मैं मेन रॉ मटेरियल देता है सेकेंडरी को, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, टर्शरी क्या करता है? टर्शरी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स में आता तो भी ठीक है, 3 मार्क्स में आता तो थोड़ा सा डेफिनेशन को ब्रेक करके अलग अलग पॉइंट्स में कर सकते हो। इट इज क्लियर? हर सहज का है? हाँ जी बच्चे बोलो, वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी एक्टिविटी? प्राइमरी इज रिलेटेड टू, प्राइमरी एक्टिविटीज में नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो नेचर से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनके साथ डील करते हैं। टर्शरी क्या करती है? टर्शरी सपोर्ट करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी को। हाँ जी, नेक्स्ट इज, एक तरफ आपने बताना है सबसिस्टेंस, प्रबल ने ऑलरेडी आंसर दे दिया हुआ है, मेधा वेरी गुड, एक तरफ आपने बताना है सबसिस्टेंस, उसके बाद आपने इसको डिफरेंस इसका क्लियर करना है इंटेंसिव के साथ। रेज योर हैंड, मेधा विल स्पीक फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओके हार्दिक विल स्पीक फॉर इंटेंसिव। हाँ जी, ओके, सबसिस्टेंस से ही पता लगता है जीने के लिए जो जरूरी है, मीन्स एक ऐसा फार्मर जिसको अपने लिए खेती, वो अपने लिए खेती करता है, उसकी अपनी क्रॉप्स यानी कि उसकी अपनी नीड्स ही पूरी होती है, उसकी फैमिली की नीड्स पूरी होती है, ऐसी फार्मिंग को क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव क्या हो गई? इन दिस फार्मिंग द फार्मर कल्टीवेट्स स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इंटेंसिव में क्या होता है? इंटेंसिव ही फार्मिंग होती है, लेकिन इंटेंसिव में जो फार्मर होता है अपने लिए जो बच जाता है उसके बाद उसको मार्केट में बेच देता है, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब क्या होता है? सिर्फ सपोज जलंधर के जो फार्मर है जलंधर के लिए ही करेंगे, वो किसी और इंटरनेशनल यानी कि कंट्रीज में नहीं करेंगे, कमर्शियल नहीं करेंगे, वो सिर्फ जलंधर लोकल मार्केट। सपोज किसी फार्मर के पास उसकी जितनी भी क्रॉप्स हैं, सपोज 50 kg उसने ग्रो किया, तो क्या करेगा? 25 kg अपने पास रखेगा पूरे साल के लिए और बाकी जो है उसको मार्केट में बेच देगा। That is called intensive. Intensive में क्या होता है? वो small tools use करता है, उसका farm size भी थोड़ा subsistence से ज़्यादा होगा। ये हो गया first point. Second point. हाँ जी, बेटा subsistence में ना एक farmer है, उसकी wife भी काम करेगी, उसके बच्चे भी काम करेंगे, है ना, साथ में अपने father की जो भी requirements है उनको पूरा करेंगे साथ साथ। Plus उनका जो level of technology है वो क्या होगा? Very लो, मे बी वो बुलेट यूज कर सकते हैं, लकड़ी का जो प्लो है वो यूज कर सकते हैं, उनके पास मॉडर्न मेथड्स नहीं होंगे। इंटेंसिव में क्या होगा? नहीं, इंटेंसिव में आप इसी का थोड़ा, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। इंटेंसिव में आपने बताना है एज कंपेयर टू सबसिस्टेंस द टूल्स यूज्ड बाय दीज इंटेंसिव लेबर विल बी एडवांस। वो सबसिस्टेंस से थोड़ा सा एडवांस यूज करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े और वो मार्केट में उसको बेच सके। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल? कमर्शियल का मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए, कमर्शियल मतलब बाजार में बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो लोग फार्मिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मर्स। ठीक है, और कोई और थर्ड पॉइंट? यस, सबसिस्टेंस का मतलब जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, वो तो सिर्फ अपने लिए खेती करेंगे। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप अपने घर में किचन गार्डन में सब्जियां लगाते हो, दैट इज आपके लिए सब्सिस्टेंस। सपोज आपके घर के पास एक प्लॉट खाली है, आपने जितनी भी वेजिटेबल्स लगाई वो अपने लिए भी कंज्यूम की और जो बच गई उनको मार्केट में बेच दी, दैट इज इंटेंसिव। ऐसे ही एग्रीकल्चर को याद रखो। हाँ जी, प्रॉफिट मोटिव। हाँ, इंटेंसिव का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। क्लियर है? Now concept is clear. Example.
The main example is of rice. In the intensive subsistence agriculture, there are thickly populated areas where monsoon regions where good cultivation of rice is done. कोई ये आपने वैसे इंट्रोडक्शन में बता सकते, लेकिन डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अगेन सब्सिस्टेंस का मतलब है बेटा, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जो सिर्फ अपने लिए या अपने गुजारे के लिए या जीने के लिए जो चाहिए वो कल्टीवेशन करते हैं, उनको बोलते हैं सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव में करते हैं, इंटेंसिव में क्या होता है अपने लिए भी करते हैं, जो बच जाता है उसको लोकल मार्केट में बेच देते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट इसी को ही कर लो, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है वो बेचने के लिए नहीं करते, बल्कि इंटेंसिव में क्या होता है वो लोकल मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, इंटेंसिव का मतलब क्या है वो प्रॉफिट, उनका मेन मोटिव क्या होता है अपने लिए भी रखना प्लस टू अर्न प्रॉफिट आल्सो। सब्सिस्टेंस के टूल्स जो हैं वो बहुत लो लेवल के स्मॉल होते हैं, लेकिन इंटेंसिव के क्या होता है थोड़ा सा एज कंपेयर टू सब्सिस्टेंस थोड़े से एडवांस होते हैं एंड दे यूज मोर टूल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्लियर? अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूं कि सब्सिस्टेंस और कमर्शियल में क्या फर्क होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है वही सेम पॉइंट सारे आ जाएंगे लेकिन कमर्शियल के चेंज हो जाएंगे। कमर्शियल मीन्स फॉर 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 कमर्शियल फार्मर जो है वो इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब पंजाब का फार्मर हरियाणा भी बेचेगा और पंजाब का फार्मर इंडिया से बाहर भी बेचेगा। कमर्शियल मार्केट का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं। सेकंड क्या होगा, लेबर इंटेंसिव। अच्छा इंटेंसिव में आप यूज कर सकते हो कि इंटेंसिव वाले जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं, इसमें ये भी कर सकते हो, लेकिन सब्सिस्टेंस वालों के पास इतना पैसा नहीं होता, दे आर नॉट एबल टू यूज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, लेकिन इंटेंसिव में वो HYV सीड्स यूज कर सकते हैं। कमर्शियल का थोड़ा और कर दो, कमर्शियल में क्या होता है लार्ज फार्म्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव कम होता है, मशीन ज्यादा होती है, वो ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन को इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। कमर्शियल फार्मिंग में आप क्रॉप्स बता दो कि कौन कौन सी मेन कमर्शियल क्रॉप्स है, वीट एंड राइस, लेकिन सब्सिस्टेंस के लिए आप बता सकते हो कि वो यूज करते हैं वीट भी है, राइस भी है, पल्सिस भी उगाते हैं, मिलेट्स भी उगाते हैं, हर तरह के क्रॉप्स उगाते हैं लेकिन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। अच्छा अगर मैं कहूं कि इंटेंसिव और कमर्शियल में क्या फर्क है, पॉइंट्स वही आ जाएंगे। इंटेंसिव और कमर्शियल में क्या होगा, इंटेंसिव का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंटेंसिव में क्या होता है स्मॉल लैंड स्मॉल टूल्स, कमर्शियल में लार्ज लैंड एंड एडवांस टूल्स। ठीक है, इंटेंसिव जो है वो लेबर ज्यादा होगी मशीन्स कम होंगी, कमर्शियल में क्या होगा, कमर्शियल में क्या होगा लेबर भी ज्यादा होगी और मशीन्स भी ज्यादा होंगी। ठीक है, इंटेंसिव में क्या होता है लेस प्रॉफिट होता है लेकिन कमर्शियल में मोर प्रॉफिट। इंटेंसिव सिर्फ लोकल मार्केट के लिए, कमर्शियल इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तीनों क्लियर है, एक तरफ सब्सिस्टेंस, एक तरफ इंटेंसिव और एक तरफ कमर्शियल। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके डिफरेंस कर सकते हो, इंटेंसिव में लो। हाँ जी, अब आ जाइए बेटा, नेक्स्ट है आपका चैप्टर इंडस्ट्रीज। ओके गुरकरण, इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड विद द प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ओहो, प्राइमरी ये तो इंडस्ट्रीज इधर आएंगी, कौन सा सेक्टर हुआ, हाँ जी इंडस्ट्रीज का बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए आपके हाथ में आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स होती हैं, और अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल आपकी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स एंड पेपर। सबसे पहले पेपर जो है, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है पल्प, यानी कि पेपर जो है वो कहाँ से बनता कैसे है, अल्टीमेटली इसके लिए इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट एरियाज में जो पल्प है, वुडन पल्प होता है, उसमें केमिकल्स बनाकर उसका प्रॉपर लिक्विड बनाया जाता है। इस लिक्विड से सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या बनाती है, पेपर। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या बनाएगी, पेपर, और इस पेपर से फिर क्या बनती है, बुक्स एंड नोटबुक्स। इट मीन्स अगर मैं आपको ये बोलूं पल्प जो है, पल्प इज द पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, वो आएगा प्राइमरी। टेक्स्ट बुक इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, सेकेंडरी। और टेक्स्ट बुक को शॉप्स तक या स्कूल्स तक या बाकी जितनी भी होलसेल शॉप्स हैं उन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टर्शरी। इस तरह से हमारी कंट्री में हर इंडस्ट्रीज जो है, जितने भी लोग हैं वो काम करते हैं, कुछ लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं, कुछ उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी, कुछ उसको ट्रांसपोर्टेशन आगे अवेल करवाते हैं, तो दे आर
टर्शरी, वो टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले एग्जांपल दिया गया है पल्प का। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, एंड अदर नेम ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर किया, आपने रॉ मटेरियल लिया और आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया, उसका प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटी। मनकीरत, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करती है, रॉ मटेरियल को चेंज करती है किसमें, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल प्राइमरी बनाती है, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कौन चेंज करता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। सो सेकेंडरी एक्टिविटी चेंज रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। बच्चे फाइनल प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है, तो ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन ये बना किससे, पल्प से, तो वो किसकी एक्टिविटी होगी, प्राइमरी एक्टिविटी। अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू फाइनल, फाइनल गुड भी कह सकते हो, फिनिश प्रोडक्ट भी कह सकते हो। और एक और चीज, जितना रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते जाएंगे ना, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पल्प की इतनी वैल्यू नहीं है, टेक्स्ट बुक की वैल्यू ज्यादा है। आपने देखा कि बुक्स कितनी कॉस्टली आती, लेकिन अगर आप देखोगे कि फॉरेस्ट एरियाज में जाओगे, वहां पे आपको पता ही नहीं है कि उसको प्रोसेस कैसे करना है, तो आपको नॉलेज ही नहीं है, वो आपके लिए वेस्ट है। लेकिन टेक्स्ट बुक की, जितनी टेक्स्ट बुक होंगी, जितनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही इसका प्राइस भी बढ़ता। वुड है, फॉरेस्ट एरियाज में पेड़ है, पेड़ की वैल्यू कम है, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। सपोज आपको सोफा सेट चाहिए और आपको कोई कहेगा हाँ जी फॉरेस्ट एरियाज में चले जाओ, आपको नॉलेज ही नहीं है कि फॉरेस्ट एरियाज में वुड को आपने कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आपके लिए पेड़ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको तो सोफा सेट चाहिए। जब उस पेड़ से सोफा सेट बनेगा, प्रोसेसिंग यानी कि पेड़ से फाइनल गुड तैयार होगी, सोफा सेट बनेगा, बेड बनेगा, चेयर बनेगी, उसकी वैल्यू ज्यादा हो। मार्केट में सोफा सेट का रेट जो है वो 50,000 से लेकर 1 लाख, 2 लाख, अनलिमिटेड, जितना मर्जी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पेड़ की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू सोफा सेट या जो फर्नीचर आइटम्स है, क्लियर। सेम शुगर केन है, खेतों में शुगर केन है, उसका रेट कम होगा, चीनी का रेट ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब है कि फाइनल गुड्स का रेट भी ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। सपोज आपके घर में आपने खीर बनानी है, आपके मम्मा ने बोला कि शुगर लेकर आओ, पर आपको शुगर नहीं अवेलेबल, आप शुगर केन ले आए, तो उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको तो शुगर ही चाहिए, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, सो फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू फाइनल गुड्स। चलो बेटा जल्दी बैठो। और उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा होती है, वैल्यू भी ज्यादा होती है। आगे आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। जैसे बच्चे हमने किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, नाउ यू हैव टू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है और इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये टेबल बना लेना, टेबल से आपको सारी की सारी डेफिनेशंस लर्न करने में इजी रहेगा। व्हाट हैपेंड टू यू, नो हाँ जी, अगर आप वहां पे नहीं ना बैठ सकते, आगे आ जाओ, यू कांट सिट प्रॉपरली देयर। हाँ जी, इंडस्ट्री, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे आप अर्न करते हो, जिससे भी आप अर्न करते हो वो आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। सिर्फ प्रॉपरली दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे ना, उस इंडस्ट्री में गुड्स की प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है चीजों को बनाया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, लाइक आयरन है, कोल है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो एरिया होता है उसको भी इंडस्ट्री कहा जाता है। देन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है इंडस्ट्री आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। Thus we have iron and steel industry. Best example industry का क्या है, iron and steel industry, प्रबल।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? गुरनूर स्टैंड अप। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वेट, गुरनूर को बोलने तो, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। हाँ जी बेटा बोलो, कीप स्टैंडिंग। हाँ जी, देन कोल माइनिंग। कोल माइनिंग नाम से पता लगता है कि कोल माइनिंग, जहां पे माइनिंग की जाती है कोल माइनिंग, उनका रॉ मटेरियल क्या होगा? कोल, कोल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि इंडस्ट्री के लिए मेन प्रोडक्शन होती है, सेकंड थिंग आपने याद रखनी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और इंडस्ट्री किसी भी जगह पर इंडस्ट्री बनने के लिए मेन वहां पे रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर तभी बनेगा जब उनको रॉ मटेरियल मिलेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्या चाहिए? आयरन। कोल इंडस्ट्री को क्या चाहिए? कोल। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको प्रोसेसिंग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोसेसिंग। इंडस्ट्री बनने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन का पता होना चाहिए। इसमें हमने बताना कि कितने तरह के क्लासिफिकेशन, कितने पार्ट्स में हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसकी डिवीजन याद रखनी है, एक टेबल बनाओ, एंड जब भी आपने ये इंडस्ट्री चैप्टर की मेरे से कॉपी चेक करवानी है, आपके फर्स्ट पेज पर ये टेबल होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू विल बी एबल टू लर्न द ऑल द कंसेप्ट। सेम जब आपने एग्रीकल्चर चैप्टर की कॉपी चेक करवानी है, उसमें ऊपर टेबल होना चाहिए, इसमें क्रॉप, सूटेबल क्लाइमेट वो सारा मेंशन है। क्लियर? हाँ जी। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पार्ट्स। सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट बताना है रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर, रॉ मटेरियल, नोट करो बेटे। सेकेंड, सेकेंड जो है दैट इज साइज, साइज के बेसिस के ऊपर। नंबर टू, इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, इनके भी आगे सब पार्ट्स हैं। नंबर वन रॉ मटेरियल, नंबर टू साइज, नंबर थ्री है ओनरशिप। किसी इंडस्ट्री को क्या रिक्वायर चाहिए? रॉ मटेरियल। किसी इंडस्ट्री का साइज क्या है, स्मॉल है या लार्ज? इंडस्ट्रीज को कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट करते हैं, बोथ करते हैं कि कैसे है? तो ये इंडस्ट्रीज के मेन आपने क्लासिफाई करना है। इनके बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रीज अलग अलग होती है। अब आपको हर क्लासिफिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू वन मार्क एमसीक्यू, एंड इंटर डिफरेंस भी आ सकता है, एंड ये भी आपको आ सकता है। राइट अ नोट ऑन द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, राइट अ नोट ऑन द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, राइट अ नोट ऑन द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ठीक है मनस? हाँ जी। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? Three, you tell me. Raw material, size and ownership. Sit down. अब raw material के basis के ऊपर industries जो है वो चार तरह की होती है। First of all, you have to write down all the names of industries. First आपने बताना है agro based. Agro based industry. Raw material का part है ये। Raw material का part है, first part है agro based. सेकेंड इज, सेकेंड आपने बताना है मिनरल बेस, मिनरल बेस्ड। ठीक है, थर्ड यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, कुछ इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल मिनरल से आता है। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल होता है मरीन, मरीन रिलेटेड टू सी, जैसे फिश, फिश ऑयल, मरीन बेस्ड। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल आता है फॉरेस्ट एरियाज, तो वो हो गई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बेस्ड। अब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नंबर वन, सपोज मैं आपको ये कहती हूं कि 5 मार्क्स में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने बताना है कि वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल जो है के बेसिस के ऊपर बनाई जाती है, दीज कैन बी क्लासिफाइड इंटू 4 पार्ट्स, एग्रो बेस, मिनरल बेस, मरीन बेस, फॉरेस्ट बेस। अब आपको इनकी आगे एक एक लाइन में डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल बताने। कैसे बता सकते हो? सबसे पहले आपने बताना है नंबर वन, रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर पहले उसकी डेफिनेशन दोगे। अगर मैं आपसे सिर्फ यही पूछूं कि विच आर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, द इंडस्ट्रीज विच टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स,
लाइक एग्रीकल्चर, मिनरल, ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड, दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज. सबसे पहले आपने बताना है एग्रो बेस, एग्रो बेस एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में दो चीजें आती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल या तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि क्रॉप से चाहिए या प्लांट से चाहिए, एनिमल से चाहिए, इन इंडस्ट्रीज को क्या बोलेंगे? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज. ठीक है, हाँ जी. अगेन एनी सॉरी इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल नंबर वन फूड प्रोसेसिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिखो एग्रो बेस का. मैं आपको वन मार्क क्वेश्चन में पूछ भी सकती हूँ कि टेल मी थ्री और फोर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. नंबर वन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग. नंबर टू वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल. जैसे आपके घर में बच्चे सनफ्लेम आता है, सॉरी सोयाबीन का ऑयल आता है, या फिर सेकंड है मस्टर्ड ऑयल आता है, या फिर ऑलिव ऑयल आता है, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. हाँ वैसे बता दो, वेजिटेबल ऑयल मीन्स ये वाले ऑयल. थर्ड इज कॉटन टेक्सटाइल, एक कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, कपड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो क्या हो गई? एग्रो बेस्ड, क्योंकि उनको क्या चाहिए रॉ मटेरियल? कॉटन. कॉटन कहाँ से आएगा? प्लांट्स, ठीक है. किसकी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम या तो आ गया क्रॉप्स, प्लांट्स, या फिर एनिमल, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. देन डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? लाइक मिल्क, बटर, ठीक है, कर्ड. उनकी उतनी समझ है, कुछ नहीं हम चेंज कर सकते. जिस बच्चे को जितना समझ आ रहा ना वो उतना ही बोलेगा, उतना ही हंसेगा. नॉलेज जो है ना वो आपके पास अनलिमिटेड होती है, उस नॉलेज को कैसे अपने माइंड में रिटेन करना ये आपके ऊपर. किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि आपने कैसे बैठना है, क्या करना है, ये आप अपनी ना एक बिहेवियर बता रहे हो. हाँ जी, लेदर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो पर्स, सपोज सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो पर्स बनाती है, ठीक है, वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनको पर्स बनाने के लिए लेदर चाहिए और लेदर कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है. तो अब आप एग्रो बेस, अब आपके तीन क्वेश्चन हो गए. सपोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रो बेस, एग्रो बेस के लिए याद रखो कि आपने दो चीजें मेन बतानी है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्लांट्स या एनिमल, एनिमल से चीजें, एनिमल से रॉ मटेरियल लेती है, वो इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? एग्रो बेस. फिर आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए एग्रो बेस इंडस्ट्रीज के, थ्री फोर एग्जाम्पल बता दो, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्रो बेस किस में आता है, रॉ मटेरियल में आता है, साइज में आता है, या ऑनरशिप में आता है. क्लियर? किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन, जब टेबल आ जाएगा ना, टेबल में आपका पूरा चैप्टर ही आपका लर्न हो जाए. हमेशा जब भी आपने कोई भी चैप्टर जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, उनको इस तरह से लर्न करो, टेबल बेस बनाकर, ठीक है. आगे आ जाओ, सेकेंड मिनरल बेस इंडस्ट्रीज. बच्चे नाम से ही पता लगता है, इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स, जिनको मिनरल्स जो है वो चाहिए. अभी मैंने बताया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो आयरन से रेलवे कोचेस बनाती है, जैसे रेलवे कोचेस बनाती है या कुछ भी आयरन के बड़े बड़े अप्लायंसेस बनाती है, उनको मेन मिनरल क्या चाहिए? आयरन. रॉ मटेरियल आयरन चाहिए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं? मिनरल बेस इंडस्ट्रीज. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल एज अ रॉ मटेरियल, जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर आयरन ऑर. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर आयरन ऑर. और आयरन किस किस के लिए चाहिए? हैवी इंडस्ट्रीज, एरोप्लेन बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, बसेस बनाने के लिए आयरन चाहिए, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज. बिल्डिंग बनाने के लिए आयरन चाहिए, बिल्डिंग में जो हाँ होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सरिया होता है, ये बनाने के लिए चाहिए. तो ये भी सारी इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिनको आयरन की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. थर्ड आ जाओ, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज. मरीन नाम से ही पता लगता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको सी फूड या ऐसी चीजें जो सी से मिलती हैं या फिर सी एनिमल से एक्सट्रैक्ट होती हैं, उनको बोलते हैं मरीन बेस्ड. जैसे फिश ऑयल,
एक ऐसी इंडस्ट्री जो फिश ऑयल बेचती है उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मरीन बेस। एक ऐसी इंडस्ट्री जो फिश को काट कर उसको पैक कर टिन में बेचती है, दैट इज कॉल्ड मरीन बेस इंडस्ट्रीज। हाँ आ सकती, मरीन बेस इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर्स रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सी और ओशंस, लाइक फिश ऑयल लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप इसमें वो भी लिख सकते हो लाइक फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जहां पे जो कोस्टल एरियाज में नहीं ना होते, सपोज सेंट्रल एरियाज के लोगों ने फिश खानी है, उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे तो फ्रोजन फूड होता है, फ्रोजन फूड को क्या करते हैं, टिन में पैक करते हैं, तो अल्टीमेटली वो इंडस्ट्रीज कौन सी हुई फिर, मरीन बेस इंडस्ट्रीज, फिश ऑयल लिख दो। नेक्स्ट आ जाओ फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको अपनी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या चाहिए, वुड चाहिए, या ऐसे प्रोडक्ट जिनको फॉरेस्ट एरिया से यूज किया जाता है। अच्छा वो जो मेडिसिन या मेडिकल जो फैक्ट्रीज हैं वो किसमें आएंगी, वो इसमें ही आएंगे, क्योंकि मेडिसिन बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, आयुर्वेदिक, सपोज एक आयुर्वेदिक फैक्ट्री है उसको मेडिसिन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लांट्स चाहिए, तो वो भी किसमें आएगा, फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। एक मिनट।